यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा से आगरा तक विकास योजनाओं को लागू करने में जोर शोर से लगा हुआ है। इस योजना को दो हिस्सों में लागू करने की तैयारी चल रही है। सोचिए जरा नए वृंदावन का नया लुक कैसा होगा। आपको बता दें कि यमुना प्राधिकरण चाहता है कि जिन उद्योगों को वहां भूमि आवंटन किया जाए उन्हें आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मिलती रहें। इसके लिए मथुरा के राया में न्यू वृंदावन नाम का शहर बसाया जाएगा। इन तीनों शहरों में करीब 5-5 लाख जनसंख्या के लिए मूलभूत सुविधाओं और आधारभूत ढांचे का विकास करने की योजना पर जोरों से काम हो रहा है। नए वृंदावन में एक ही जगह पर मथुरा और वृंदावन के पौराणिक महत्व को दिखाया जाएगा। यहां म्यूजियम भी बनेगा और रिवर फ्रंट को विकसित किया जाएगा। इसमें ऋषि मुनियों के आश्रम और वनों को दिखाया जाएगा। नए वृंदावन में कंस की जेल से लेकर गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के महाराज की झलकियां भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को ध्यान में रखकर होटलों और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था होगी। ये तस्वीरें देखिए, कुछ ऐसी हो सकती हैं नए वृंदावन की सूरत। तो वहीं ब्रजवासी क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यू वृंदावन प्रोजेक्ट का एक प्लान तैयार किया है और इसकी हम सराहना करते हैं, क्योंकि दिव्य भव्य विकास होगा और जितने भी हमारे और पास के गांव हैं उन सबको रोजगार मिलेगा और यह सराहनीय एक प्रोजेक्ट है जिसको आगामी समय में वृंदावन वासी और बाहर के यात्रीगण उसका आनंद लाभ लेंगे। नहीं, मैं वृंदावन तो वृंदावन ही रहेगा, ये नए वृंदावन बनाने से कोई औचारिक नहीं, ये तो गवर्नमेंट अपना कुछ फ़ायदा चाह रही है। इससे वृंदावन के जो अस्तित्व है, वृंदावन की जो महिमा है, वृंदावन की जो गरिमा है, उसको ठेस लगेगी ये नया वृंदावन बनाने से। इस वृंदावन को जो कि वहाँ होटलें बनेंगे, पिकनिक स्पॉट हो जाएंगे, तो ये जो वृंदावन जो धाम है, जो वृंदावन धाम की महत्ता भागवत शास्त्रों में ग्रंथों में कही गई है, उस वृंदावन की महिमा के नाम से इसको एक अपमान होगा और वृंदावन का जो है अपमान है, या वृंदावन की जगह उसका और कुछ नया नाम रखा जाए तो ठीक है, लेकिन इसको नया वृंदावन के नाम देने से गलत है। जो है वृंदावन के विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जो है क्योंकि जो वहाँ ऋषियों की मुनियों की जो मूर्तियाँ बनाएंगे ये सब काम कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। अपनी कुछ गवर्नमेंट को कुछ कॉलोनी विकसित करनी है तो वो करे, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन न्यू वृंदावन ऐसे नाम दिया है, या तो उसका नाम मथुरा वृंदावन दिया जाए तो भी, क्योंकि वो वृंदावन के अंदर में नहीं है, वृंदावन से करी दूर है, तो इसलिए इसको नया वृंदावन बनाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं, वृंदावन की बदनामी होगी इसमें। राधे, यमुना प्राधिकरण ने जो निर्णय लिया है वो कॉलोनी बनाए न कि वृंदावन। वृंदावन तो वहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है, आके वृंदावन की प्राचीनतम को गरिमा को ख़त्म न करें, क्योंकि वो पिकनिक स्थल के स्तर के माध्यम से देखा जाएगा न्यू वृंदावन। लेकिन जो वृंदावन की प्राचीनतम गरिमा हैं वो वृंदावन बिहारी जी, मथुरा में द्वारिकाधीश, और इन जगहों को यमुना जी, कालीदह वगैरह, चीरहरण लीला स्थल, ब्रज चौरासी को उसमें सारे स्थल आते ही हैं। जब हम यात्रा करते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, तो प्राधिकरण जो अपनी एक कॉलोनी बनाए न्यू वृंदावन के नाम से, बनाए पार्क, बनाए अपना जो भी म्यूजियम वगैरह वो लगाएं, लेकिन इन स्थलों की आश्रमों को वहाँ ना दिखाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम ब्रजवासी यही मांग करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहरहाल राया के विकास के लिए यमुना अथॉरिटी ने मास्टर प्लान बनाकर शासन को भेजा था। यमुना अथॉरिटी के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया है कि शासन ने मास्टर प्लान पास कर दिया है, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो गई है। कान्हा की नगरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। जुड़िए समाचार सिटी 24 के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पाएं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट।